हेलो फ्रेंड्स, मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पे बहुत सारे मैसेज आते हैं और उसमें सबसे कॉमन क्वेश्चन यही होता है कि क्या स्टैमरिंग 100% क्योर हो पाती है। माय आंसर टू दिस इज़ वेरी वेरी सिंपल। व्हाट डू यू बिलीव इन? यस माय फ्रेंड्स, इट इज़ ऑल अबाउट द पावर ऑफ बिलीव। So in today's video, you are going to learn what exactly is belief, what do you call as a belief pattern. Second thing, I'm going to give you a super powerful story which can change your belief pattern. And at the end, I'm going to give you a bonus tip. So stay till the end. So my friends, what is the belief pattern? Belief is something that जिसमें आपको 100% surety हो। अगर आप ये बिलीव करते हो कि स्टैमरिंग कैन नॉट बी क्योर्ड, सो माय फ्रेंड्स, फॉर यू स्टैमरिंग कैन नॉट बी क्योर्ड। स्टैमरिंग आपका क्योर नहीं हो सकता क्योंकि आप उसमें बिलीव करते हो कि स्टैमरिंग कभी भी क्योर नहीं हो पाएगा। लेकिन इफ़ यू बिलीव दैट स्टैमरिंग कैन बी क्योर्ड 100%, देन माय फ्रेंड्स, फॉर यू स्टैमरिंग कैन बी क्योर्ड 100%। सो इट इज़ ऑल अबाउट माइंडसेट। यू नो, हर एक चीज़ में माइंडसेट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एंड फॉर स्टैमरिंग, विच इज़ नॉट अ फिजिकल डिसीज एट ऑल, इट इज़ अ साइकोलॉजिकल डिसीज़। यू नो, साइकोलॉजिकल इश्यू है। अगर साइकोलॉजिकल इश्यू को ठीक करना है माई फ्रेंड्स, तो माइंडसेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लस आप खुद ही ये सोच के देखो कि जब आप अपने आप से बात करते हो, तब 99.9% ऑफ द लोग फ्लुएंटली बात कर पाते हैं। यू नो, इश्यू आता है जब वो किसी और से बात करते हैं, तभी ही इश्यू आता है। सो माय फ्रेंड्स, इफ़ यू कैन बी फ्लुएंट इन वन सिचुएशन, देन व्हाई डू यू थिंक स्टैमरिंग कैन नॉट बी क्योर्ड? इफ़ यू आर फ्लुएंट इन वन सिचुएशन, देन ऑब्वियसली यू कैन चेंज योर साइकोलॉजिकल पैटर्न टू बी फ्लुएंट इन ऑल द सिचुएशन। So my friends, it is just the psychological issue, it is just the mindset part. So आपको mindset अगर properly set करना है, तो इस पर set कीजिए कि stammering can be cured 100%, because this is the root of the solution. अगर आप ये believe करते रह जाओगे कि stammering cannot be cured, then for you it cannot be cured, it can just be managed. Okay? So I would like to tell you a story जो मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया है ये स्टोरी ने। सो एक छोटा सा हाथी था, उसको रस्सी से बांध दिया गया, उसके पैर में रस्सी लगा के बांध दिया गया। तो उसने बहुत ज़्यादा ट्राई की वहाँ से छूटने की, बहुत बहुत जोर लगाया, लेकिन ही कुडंट एस्केप। उसको बहुत ज़्यादा दर्द हुआ पैर में, तो भी वो ट्राई करता रहा, लेकिन वो फेल हो गया। लेकिन जब वो बड़ा हो गया, वो जायंट हाथी बन गया, वो एडल्ट हाथी बन गया, तब उसके पास बहुत ज़्यादा शक्ति आ गई। यू नो, उसके पास बहुत ज़्यादा पावर है, लेकिन अभी वो हाथी ट्राई ही नहीं कर रहा है, क्योंकि उसका एक बिलीफ पैटर्न बन गया कि आई कैन नॉट एस्केप। वो चाहे तो एक जायंट झाड़ जो होता है, जायंट ट्री को भी वो तोड़ सकता है, लेकिन वो रोप को नहीं तोड़ सकता। क्यों? क्योंकि उसने वो बिलीफ पैटर्न बना लिया है, नाउ ही इज़ नॉट ट्राइंग। आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ बिलीफ इन क्योरिंग योर स्टैमरिंग, बिकॉज बिलीफ मेक्स योर लाइफ और डिस्ट्रॉय योर लाइफ। इट इज़ अप टू यू कि आप कौन सा बिलीफ चूज कर रहे हो। अगर आप ये बिलीफ चूज कर रहे हो कि येस स्टैमरिंग कैन बी क्योर्ड 100%, आई विल डू इट डेफिनेटली, देन फॉर यू इट इज विथ 100% श्योरिटी दैट यू कैन ओवरकम एंड क्योर योर स्टैमरिंग। यू कैन ऑल्सो टेक एन एग्जाम्पल ऑफ ऋतिक रोशन, नानी पालखी वाला, अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट। उन सब लोगों ने स्टैमरिंग को क्योर किया है माई फ्रेंड्स, एंड आई एम ऑल्सो लिविंग इन ब्रीदिंग केस स्टडी फॉर यू। सो माई फ्रेंड्स, इट इज़ अप टू यू वॉट यू बिलीव इन। इफ दे कैन डू इट, इफ आई कैन डू इट, देन इट इज़ नो ब्रेनर फॉर यू, देन वाई कांट यू डू इट? आप भी कर सकते हो, बिकॉज इट इज़ जस्ट द
पावर ऑफ माइंड सेट. इट इज़ जस्ट द साइकोलॉजिकल थिंग. सो सेट योर माइंड राइट एंड क्योर योर स्टैमरिंग 100%. एंड नाउ इट इज़ अ टाइम फॉर बोनस टिप. सो बोनस टिप इज दैट वंस माई मेंटर सेट टू मी दैट के हर एक चीज़ सबसे पहले माइंड में बनती है. सो माई फ्रेंड्स, क्रिएशन जो भी होता है वो सबसे पहले माइंड में होता है. सो सी योर सेल्फ स्पीकिंग फ्लुएंटली, सी योर सेल्फ एंड इमेजिन योर सेल्फ दैट यू आर गिविंग अ स्पीच. यू नो, वो गुड हॉर्मोन्स क्रिएट करो अपने अंदर एंड यू विल सी दैट योर स्टैमरिंग इज ग्रेजुअली गेटिंग डिक्रीज्ड एंड डिक्रीज्ड एंड ग्रेजुअली यू विल बी एबल टू ओवरकम योर स्टैमरिंग. सो माई फ्रेंड्स, टेक केयर. एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, इफ यू लव दिस वीडियो, देन प्लीज़ गिव मी अ थम्स अप. एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन विथ रिस्पेक्ट टू स्टैमरिंग, देन प्लीज़ ड्रॉप योर question in the comment box. I'm eager to read your comments in the comment box. Bye bye.